आज हम अपना फर्स्ट साइफर करने लगे हैं। हमारे पास ये है पहला साइफर, वो उसे बोलते हैं हम रेलफेंस। रेलफेंस भी बोलते हैं और हम इसे जिगजैग भी बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ होगा, तो वो हम खुद से ले लेते हैं, यानी कि किसी का नेम ले लेते हैं, जोहा खान। और इसके बाद हमारे पास एक की होती है गिवन, तो वो होती है हमारे पास, हम थ्री ले लेते हैं उसको। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारे प्लेन टेक्स्ट की लेंथ है ना, मतलब ये लेंथ है इसकी, इसकी नंबरिंग करनी है हमने। ये कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने 8 कॉलम्स बना लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसको हमने ये कॉलम्स बना लिए, और जो हमारी की गिवन है उसकी हमने रोज़ बना लेनी है, मतलब 1 2, और ये हमारे पास 3 रोज़ हमने बना लिए हैं। इसमें हमने जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसको हमने जिग जैग वे में लिखना है हमने, यानी कि ZOHAKHAN, ये हमारा सारा जिग जैग हो गया। अब हम जब हमारे पास साइफर, जो हमारे पास टेक्स्ट बनेगा, वो हमने उसको कैसे लिखना है कि ऐसे रो वाइज हमने उसको लिखते जाना है, मतलब जी पहले आएगा फिर KOAHNHA, ऐसे। ये हो गई हमारे पास इंक्रिप्शन। और हमने जब डिक्रिप्ट करना है इसको, तो हमने कैसे करना है, सेम ऐसे ही एक टेबल बना लेना है हमने। अब हम जब हमने ये डिक्रिप्ट करना है, तो हमने जिगजैग वे में ऐसे हमने ऐसे डॉट लगा लेने हैं। तो हमने इसको लिखना कैसे है, जेड के जी इधर, जो अगला डॉट हमारे पास होगा उधर हमने के लिख देना है, अगला डॉट जो है उधर ए लिख देना है, अगले पे ए, ऐसे ही करके हमने सारा लिख देना है। एच आ गया और ये ए आ गया हमारे पास। अब जब हमने डिक्रिप्ट करते हुए दोबारा रीड करना है, तो हमने कैसे करना है, जिगजैग वे में, तो ZOHAKHAN, ये हमारे पास क्या आ गया, डिक्रिप्ट हो गया, दोबारा हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आ गया है। पहले हमने लिखना कैसे है जिगजैग वे में, उसको हमने जब साइफर टेक्स्ट बनाना है, तो हमने रीड कैसे करना है, रो वाइज। जब हम दोबारा हमने जब डिक्रिप्ट करना है, पहले हमने रो वाइज उसको लिख देना है जहाँ पे डॉट होंगे जिगजैग वे में। और जब हमने दोबारा हमने डिक्रिप्ट करना है, तो उसको जब हमने रीड करना है, मतलब रीड नहीं करना, उसको जब हम उठाएंगे, जब हम पढ़ेंगे, तो हमने उसको जिगजैग वे में लिख लेना है। जो हमारा प्लेन टेक्स्ट था वो हमारे पास सेम आ गया, तो मतलब हमारे पास जब हमारे पास ये सेम आ गया, तो मतलब हमारे पास ऑथेंटिक जो हमारे पास मैसेज था, जो किसी सेंडर ने सेंड किया था, और जो हमारे पास रिसीव हुए, वो दोनों सेम है, तो मतलब ये ऑथेंटिक है, एक्यूरेट है। तो बस ये हमारे पास सिंपल सा रेलफेंस साइफर है।